अल्लाम मार्केटिंग रिसर्च के कोर्स में आज हमारा लेक्चर फोटी है और हम रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखी जाए उसके क्या फॉर्मेट है और क्या उसके जो है ना वो डिटेल्स हैं पहले लेक्चर्स में जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो हम कम्युनिकेशन के कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं ये रिसर्च रिपोर्ट के फॉर्मेट की बात हम कर चुके हैं उसके पार्ट्स जो हैं वो हमने देखे या कंपोनेंट्स जिसमें कि हमने कहा कि जी फ्रंट मैटर होता है जिसको प्रीफिएटरी पार्ट्स भी कहते हैं और टेक्चुअल पार्ट्स होते हैं जिसको बॉडी भी कहते हैं और सप्लीमेंटरी पार्ट्स होते हैं जिसको कि एंड मैटर भी कहते हैं और इसकी हमने डिटेल भी पढ़ी कि मिसाल के तौर पर फ्रंट मैटर में हमारे एक टाइटल फ्लाई होता है एक टाइटल पेज होता है और इसमें जो है वो एक्नोलिजमेंट होती है लेटर ऑफ ट्रांसमीटल होता है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होता है एग्जेकटिव समरी टेबल ऑफ कंटेंट, ये सारे पार्ट जो हैं ये फ्रंट मैटर या प्रिफेटरी पार्ट्स में होते हैं और इनकी थोड़ी थोड़ी आपको तफसील बताई गई थी कि उसमें आपने क्या क्या लिखना है मस्ट एन जो टाइटल पेज है उस पर हम प्रोजेक्ट का टाइटल लिखते हैं जो रिसर्चर हैं उनका नाम लिखते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं एड्रेस लिखते हैं बाजु टेलीफोन नंबर भी लिख देते हैं और फिर हम लिखते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये तैयार किया गया उसका एड्रेस और फिर डेट ऑफ रिलीज़ के कब हम सबमिट कर रहे हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट नंबर है तो वो करते हैं यानी वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है प्रोजेक्ट के बारे में वो हम वहाँ दे देते हैं और इसी तरह से टेबल ऑफ कंटेंट में हम हैडिंग और सब हेडिंग्स देते हैं वो टॉपिक्स और सब टॉपिक्स जो इस रिपोर्ट में कवर्ड हैं उसकी हम तफसी देते हैं पेज वाइज ताकि एक हमारा जो स्नैपशॉट है वो रीडर को मिल जाए इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है और अगर वो कोई ख़ास टॉपिक देखना चाहे पूरी रिपोर्ट ना पढ़ना चाहे तो सीधा उस पेज पे जाके वो पढ़ सकता है इसी तरह से एग्जेक्टिव समरी जो होती है वो भी एक ओवरव्यू होता है पूरी रिपोर्ट का हम थोड़ा थोड़ा खुलासा दे देते हैं कि जी इस रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स और बैकग्राउंड क्या था स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है और इसमें जो है मैथडोलोजी क्या यूज़ की गई है सैम्पलिंग कैसे हुई है इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेटा कलेक्शन क्या हुआ है और किस तरह से हमने उसको प्री टेस्ट किया कैसे फील्ड वर्क को ऑर्गनाइज किया सैम्पल क्या था उसकी जो जो है वो उसकी मैथडोलॉजी क्या थी उसको सिलेक्ट करने की जिसमें आ, हम इसकी सेम्पलिंग की तफ़ील भी बताते हैं फिर फील्ड वर्क की बात करते हैं फिर डेटा अनालस की बात करते हैं फिर आखिर में conclusions or recommendations they think sorry summary and this executive summary is for those executives who are busy those who don't have time and those who would not go to the technical details they would rather have to have a gist of uh, this uh, uh, research uh, so that they have a uh, knowledge and view of what has happened and what are the results and uh, दे कैन सिंपली यूटिलाइज दो फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजनस इन द डिजन मेकिंग तो ये डिसीजन मेकर्स के लिए होता है uh, जो कि इतना वक्त नहीं रखते तो हम एग्जेक्टिव समरी उसकी बनाते अब समरी के बाद फिर हमारे टेक्सचुअल पार्ट आ जाते हैं उसकी भी तफसी आपको बताई गई है और उन टेक्सचुअल पार्ट्स में हम तरतीब से चलते हैं पहले इंट्रोडक्शन सारे उस जो आपकी research है, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं बैकग्राउंड क्या थी मैनेजमेंट प्रॉब्लम क्या था रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या थे रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या थी रिसर्च डिज़ाइन क्या था ये सारी चीज़ें हम उसमें देते हैं और इससे रीडर को वाकफियत हो जाती है कि क्या आ, इस रिसर्च में होगा आगे फिर आप जो इम्पोर्टेंट उसका हिस्सा है वो डेटा अनालस या डेटा प्रजेंटेशन है उसमें हम जो रॉ डेटा जो क्वेश्चनर्यर और इंटरव्यूज़ और फील्ड वर्क के ज़रिए से कलेक्ट किया गया है उसको हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं टैबलेट करते हैं और उसको हम स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स के ज़रिए से एनालाइज़ करते हैं और डेटा एनालिसिस में हम बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ चुके हैं तो जो रेलेवेंट टेक्निक होगी अप्रोप्रियट टेक्निक होगी वो हम अपने इसमें करेंगे और सारे टेबल्स और ग्राफ्स और चार्ट और डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेशनस हम इस हिस्से में देंगे और ये जो हिस्सा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर में हम नतज उसमें से निकालते हैं जिसको फाइंडिंग्स भी कहते हैं और वो फाइंडिंग्स हम कई तरीकों से प्रेजेंट करते हैं बताया गया था आपको कि क्रोनोलॉजिकली भी होता है अल्फाबेटिकली भी होता है इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस भी होता है जोग्राफिकली भी होता है ऑर्डर ऑफ़ सिग्निफिकेंस भी होता है तो जिस ऑर्डर को आप पसंद करेंगे उसी ऑर्डर में वो फाइंडिंग्स आप दे देंगे आप जब ये दे देते हैं तो फिर आखिर में आप कंकलूजन्स और रेकमेंडेशन देते हैं कंकलूजन्स कोलटेटिव टर्म्स में होती हैं और उन्ही फाइंडिंग्स पर बेस करती हैं और रिकमेंडेशन्स जो होती हैं वो भी उन्ही फाइंडिंग्स पर बेस करती हैं आ, क्योंकि रिकमेंडेशन्स जो हैं वो असिस्ट करती हैं डिसीजन मेकर को मैनेजर को क्लाइंट को यूज़र को कि जो उस सीनरीओ में जिसने उसने रिसर्च करवाई है उससे उसको निकलने का क्या तरीका है तो आप उसमें दे देते हैं बाज़ात जो हैं वो क्लाइंट पसंद नहीं करते कि रिसर्चर रिकमेंडेशन उनको वो कहते हैं नहीं भाई आपने फाइंडिंग्स देनी है कंक्लूजन देनी है रिकमेंडेशन नहीं देनी अगर ऐसी बात हो तो फिर आप रिकमेंडेशन ना दें तो ये तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम रिपोर्ट में व्यूअल एड्स इस्तेमाल करते हैं उसकी गाइडलाइंस क्या है व्यूअल्स क्या होती हैं टेबल्स होती हैं चार्ट्स होते हैं और ग्राफ्स होते हैं चैप्स होते हैं फिगर्स होती हैं ये सारी चीजें जिनका कि व्यूअल इफेक्ट होता है जो कि आँख को अट्रैक्ट करती हैं एक तो टेक्स्ट हुआ ना जिसमें कि आप वो राइटिंग लिखते हैं वो सारा आपने लिखा हुआ ये व्यूअल्स होते हैं जो कि आई को अट्रैक्ट करते हैं और ये हम तमाम रिपोर्ट्स में यूज़ करते हैं और अब जो है चूँकि कंप्यूटर आ गया है ये व्यूअल्स फ़ौर हमें बना के दे देता है और इससे एक बड़ा प्लेजेंट इफ़ेक्ट पड़ता है और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है डेटा के बारे में वो बढ़ जाती है हमें रिपोर्ट को समझना और इंटरप्रेट करना हमें इजी हो जाता है और हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं इन एडिशन टू मेकिंग इट ब्यूटिफुल प्लेजेंट एंड नो मेकिंग इट प्लेजेंट टू सी ये इससे अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है अब इसके कुछ असूल हैं वो असूल मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप रिपोर्ट बनाने लगें और उसमें अगर आपको वीवल एड्स इस्तेमाल करनी हैं या वो वीवल्स कम्युनिकेशनस करनी हैं ग्राफ बनाने हैं चार्ट बनाने हैं, टेबल्स बनाने हैं फ्लो चार्ट बनाना है फिगर्स बनानी हैं मैप्स बनाने हैं तो सॉफ्टवेयर तो आपको मिलेंगे और वो आपको बना देंगे लेकिन इसके कुछ असूल होते हैं वो आप सुन लीजिए ये गाइडलाइंस वील्स के लिए हैं पहली गाइडलाइन क्या है वो ये है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है अब बाज़ लोग इसको इंक्लूड करते हैं सिर्फ खूबसूरती के लिए खूबसूरती इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है व्यूअल्स को ऐड करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज टू एनहॉन्स द कलैरिटी अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रटेशन ऑफ द डेटा ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और खूबसूरती जो है वो प्लेजेंट लुक जो है यू uh, नो you know, अच्छी अपियरेंस जो है दिस इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव तो ये याद रखिए कि हम इसलिए उसको ऐड करते हैं कि हमारी रिपोर्ट की क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग एंटरप्रटेशन ज़्यादा अच्छी हो जाए तो ये ऑब्जेक्टिव लेके आपने चलना है वो सानवी ऑब्जेक्टिव है कि इसकी खूबसूरती भी जो है उसमें इजाफा हो दूसरा जो है कि इसको सिंपल बनाना चाहिए दिस शुड बी सिंपल एड्स एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस शुड बी कन्वीनियंटली मेड एंड ईजीली अंडरस्टर्ड ये उसका दूसरा असूल है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपने नहीं बनानी कि हम डेटा की इंटरप्रटेशन और अंडरस्टैंडिंग को ईजी बनाना चाहते हैं और ये ना हो कि ये जो ए वीअल बना रहे हैं ये बजाते खुद इतनी टेक्निकल और इतनी मुश्किल हो जाए कि रीडर उसको समझ भी ना सके इसलिए दे शुड बी सिंपल एंड कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड व्यूअर्स की जो अगली गाइडलाइन है वो ये है कि ये स्टैंडर्डाइज होने चाहिए थ्रू आउट द रिपोर्ट ताकि इसमें कोई इनकन्स्टेंसी ना हो अगर आप बार चार्ट बना रहे हैं तो बार चार्ट ही बनाइए और बार चार्ट में जो कलर्स आप यूज कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली वही कलर्स यूज करें अगर तो वो आप ग्रुप बार चार्ट बना रहे हैं या स्टैक् बार चार्ट बना रहे हैं यानी जिस तरह का भी आप बना रहे हैं उसी तरह से बनाते रहिए बार चार्ट जहां तक बार चाट खतर लगे अगर पाईचार्ट आप बनाते हैं उसमें जो कलर्स आप यूज करें वो भी तकरीबन वही रखें तो देयर फॉर्मेट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड थ्रू आउट द रिपोर्ट पर्टिकुलरली द टेबल्स टेबल्स के बारे में आपको खास ख्याल रखना है कि टेबल जो बनाएं उसी फॉर्मेट में बनाएं उसका नंबर वही हो हेडिंग वही हो नीचे अगर फुट नोटिंग है तो उसी जगह पर हो और वही कलर यूज़ करें और उनकी हेडिंग्स वगैरह जो हैं वो स्टैंडर्डाइज अगली बात जो है जो पाई चार्ट है टेबल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि ये स्टैंडर्डाइज होने चाहिए जो पाई चार्ट है पाई चार्ट शुड हैव लेस देन स्लाइसेस द पाई चार्ट शुड नॉट हैव मोर देन सिक्स स्लाइसेस ये बात लाइन चार्ट के बारे में भी है यानी और शायद हमने ये पहले भी कहीं डिस्कस किया था जब हम वो डेटा एनालिसिस की बात कर रहे थे कि पाई चार्ट और लाइन चार्ट दोनों इन में सिक्स से ज्यादा वेरिएबल्स हम डिस्कस नहीं करते और जाहिर है कि इसका मतलब है कि सिक्स से ज्यादा कलर भी नहीं इस्तेमाल करते और सिक्स से ज्यादा में लाइन चार्ट में सिक्स से ज्यादा लाइनें और डिफरेंट कलर्स और पाई चार्ट में सिक्स से ज्यादा सलाइस और डिफरेंट कलर्स तो सिक्स इज द लिमिट क्यों वजह क्या है इससे ज्यादा फिर जो है ना वो उसको समझना मुश्किल हो जाता है याद रखना मुश्किल हो जाता है तो इसलिए सिक्स इज द लिमिट इससे ज्यादा आप ना जाइए और पाई चार्ट जब आप बनाने लगे हैं तो हमेशा ये ट्वेल्व ओ क्लाक से शुरू होता है आपको पता ना पाई चार्ट दायरा होता है थ्री सिक्सटी डिग्रीज का तो विल स्टार्ट एट ट्वेल्व ओ क्लाक वहां से हम शुरू करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लाक वाइज बढ़ते जाएंगे और पहले जो हैं हमारे जो है वो बड़े स्लाइस आएंगे फिर छोटे फिर छोटे फिर छोटे फिर छोटे सो द पाई चार्ट शुड स्टार्ट एट ट्वेल्व ओ क्लॉक एंड प्रोग्रेस क्लाक वाइज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कलर्स का इस्तेमाल है तो ये भी कहा जाता है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं आपके जिसको आप सिग्निफिकेंस देते हैं उनमें फास्ट कलर यूज कीजिए फास्ट कलर्स शुड बी यूज्ड टू एम्फेसाइज की सेगमेंट्स और की पॉइंट्स। और लास्टली ये है कि दीअल शुड नॉट बी एक्सेसिव ये कि भरमार हो कम हो और वीअल ज्यादा हो नहीं हमेशा याद रखिए व्यूल्स जो हैं दे आर बेस्ड ऑन टेक्स्ट टेक्स्ट की बेस पे हम बनाते हैं तो ये ना हो कि वील्स हों सारे ग्राफ हों चार्ट भरा पड़ा हो और टेक्स्ट इतनी सी हो नहीं ऐसा नहीं है नस्बता टेक्स्ट से वो कम होते हैं और उतने ही आप इस्तेमाल कीजिए जितने के आपको ज़रूरत है जितना आप समझते हैं कि इससे जो ऑडियंस है वो बोर भी नहीं होगा और इससे जो है वो आ, आगमेंटेशन होगी एनहांसमेंट होगी अंडरस्टैंडिंग की जो मटेरियल या डेटा आपने दिया तो ये चंदे असूल हैं जो कि हम वीवल्स बनाते हुए जो है इस्तेमाल करते हैं और आपको भी इसको इस्तेमाल करना है अब मैं आपको थोड़ी सी जनरल गाइडलाइंस बता दूँ रिपोर्ट लिखने की वो जनरल गाइडलाइंस जो हैं आम हैं जो कि कम्युनिकेशन के कोर्स में भी शायद आप पढ़ चुके हैं और आपने अगर असाइनमेंट्स बनाई हैं उसमें भी आपने इस्तेमाल किया हो लेकिन मैं आपको आ, बता देता हूँ कि रिसर्च रिपोर्ट लिखने की क्या जनरल गाइडलाइंस हैं उसकी फॉर्मेट के बारे में उसके पेपर के बारे में वगैरह वगैरह तो क्विकली हम ये बताते हैं कि आपने पेपर जो है पेपर साइज एट इंटू अलेवन इंचज़ इस्तेमाल करना है इसको ए फोर भी कहते हैं एट इंटू अलेवन इंचज़ ये साइज़ है पेपर अच्छी क्वालिटी का हो अनरूल्ड हो लाइनों वाला ना हो एंड इट शुड बी वाइट इट शुड बी ऑफ गुड ग्रामेज और हैवी ये आपको वो स्टेशनरी की दुकान से पता चल जाएगा तो इसको आपने इस्तेमाल करना है और जब आपने टाइपिंग करनी है उस पर कंप्यूटिंग करनी है ये अब बताने की जरूरत शायद नहीं है कि एक साइड पर हमने करनी है वी हैव टू यूज वन साइड ऑफ द पेपर नॉट टू साइड्स स्पेसिंग के बारे में कुछ असूल हैं कि जो आपकी बाडी है टेक्स्ट जो है वो डबल स्पेस पे टाइप की जाती है बाज हालात में अगर रिपोर्ट बहुत लंबी हो तो 1.5 पे भी कर सकते हैं तौर पर डबल स्पेस पे लेकिन 1.5 पे भी हम कर सकते हैं अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है जस्टिफिकेशन के बारे में आपको है ना कि पेज हम जस्टिफाई करते हैं जस्टिफाई का मतलब लाइन एक जगह पे खत्म हो अब इसमें आपको राइट right साइड पे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है बल्कि लेफ्ट साइड पर जो लेफ्ट आपका लेफ्ट हैंड मार्जिन है उस पर आपको इस तमाम पेपर को जस्टिफाई करना on right. है टेक्सट शुड बी जस्टिफाइड ओनली ऑन द लेफ्ट नॉट ऑन द राइट फिर मार्जिन कैसे हैं? मार्जिन इसके एक इंच टॉप पर एक इंच बॉटम एक इंच राइट एक इंच लेफ्ट लेकिन अगर आपको लेफ्ट पे बाइंडिंग करनी है उसकी तो फिर आधा इंच और छोड़ दीजिए आई मीन द जनरल रूल इज दैट इट शुड बी वन इंच मार्जिन ऑन टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट बट इफ यू वॉन्ट टू यू नो बाइंड ऑन सम साइड विच इज यूजली द लेफ्ट साइड देन वी लीव हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ये तो इसकी मार्जिन की बात होगी फिर पेजिनेशन कैसे होती है इसकी अब देर आर वेरियस फॉर्मेट्स तो बाय द वे कम्युनिकेशन में बहुत सारे हमारे पास चॉइसेस भी होते हैं जो राइटर होता है उसका अपना चॉइस होता है कि वो उसको किस आ, तरह से करे लेकिन जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये रिपोर्ट में रिसर्च रिपोर्ट में जनरली ऑब्जर्व की जाती हैं तो अब जो पेजिनेशन है पेजिनेशन ये है कि जो टेक्स्ट है आपका वहाँ से आप शुरू करें वैसे तो ये है कि प्रिपेटरी पार्ट्स को भी पेजिनेशन किया जाता है लेकिन वो रोमन न्यूमरल्स में किया जाता है रोमन नंबर्स, लेकिन टेक्स्ट जो है वहां से हम अरेबिक नंबर या जो हम इंग्लिश नंबर लिखते हैं वन टू थ्री फोर वहां से शुरू करते हैं। बाज लोग पीछे रोमन नंबर लाते हैं टेक्स्ट से आगे इंग्लिश नंबर लेकिन नंबर वन नहीं लगाते पीछे अगर छः है तो उसको नंबर सात लगाते हैं लेकिन बहरहाल आप पहले टेक्सट से आप शुरू कर लीजिए और इनको कंज करते जाइए और शुरू कहाँ से करना है शुरू करना है हमने टाइटल पेज से वो आपका नंबर वन होगा अगला नंबर टू होगा फॉर एग्जांपल अगर लेटर ऑफ ट्रांसमिटल है उससे अगला जो है वो लेटर ऑफ आथोराइजेशन थ्री होगा और टेबल ऑफ कंटेंट एग्जैक्टिव समरी टक्नोलिजमेंट अगर आपकी कोई इन सब पे आप रोमन न्यूमरल लगाइए और जो आगे इंट्रोडक्शन जहाँ से आप शुरू करते हैं वहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट और अरबिक न्यूमरल जिसको हम कहते हैं वो लगाइए मसलन पहले अगर चार हैं तो ये पांचवा होगा अब इसकी जगह कौन सी है कहाँ पर आपने इसको लिखना है पेज को दो तीन जगह है सेंटर टॉप और राइट हैंड कॉर्नर टॉप या सेंटर बॉटम और राइट हैंड कॉर्नर बॉटम ये आपकी चॉइस है और ये आमतौर पर हम क्या करते हैं कि राइट हैंड कॉर्नर जो है उसके बॉटम पे पेज लिखते हैं आप चाहें तो सेंटर में इस्तेमाल कर लें ये तो थी बात पेजिनेशन की अब बात यह है कि अब पेज नंबर से पहले भी कुछ लिखते हैं नहीं या नहीं आपको पता आज के समाने है कंप्यूटर के ज़माने लोग हेडर या फुटर भी इस्तेमाल करते हैं तो एक कॉर्नर पे आप अपनी रिपोर्ट का नाम या टॉपिक लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं आप और दूसरी साइड पर पेज नंबर लिख सकते हैं यानी टाइटल और पेज नंबर दोनों आप पेज के जो है वो दोनों साइडों पर लिख सकते हैं राइट हैंड कॉर्नर पर पेज लेफ्ट कॉर्नर पे हो हेड फुटर और ये आपकी मर्जी और अगर टाप पर करें तो फिर आपका वो हेडर हो जाएगा और ये मुसलसल हर पेज पर चलेगा फॉट साइज़ क्या होना चाहिए ट्वेल्व इज एक्सेप्टेबल यूजली ये ट्वेल्व होता है और उसमें हम करते हैं और जहाँ तक फॉन्ट टाइप है वो आप अपनी मर्जी से जो है वो आप इस्तेमाल करें और इसमें रोमन टाइम्स है जो आपका चॉइस है वो आप इस्तेमाल कर लीजिए कलर कौन से इस्तेमाल करना चाहिए वो मतलब इंक का या टोनर का वो वही ब्लैक ही होना चाहिए वो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हम पेजेस वाइट इस्तेमाल कर रहे हैं और आमतौर पर वाइट करते हैं मतलब कलर्ड पेजेस हम इस्तेमाल नहीं करते अच्छी जो प्रोफेशनल अप्रोच है वो वाइट पेजेस और ब्लैक टोनर इसके अलावा अगर आप पैराग्राफिंग कर रहे हैं तो क्या होता है वो फाइव स्पेस या सेवन स्पेस वो आप सेट कर दीजिएगा उससे उसकी आप उसकी पैराग्राफिंग हो सकती है और जो पेज आप टाइप करें वो जंबल नहीं हो यानी बहुत सारा टॉप से लेके बॉटम तक जो है सारा ना टाइप किया हो आमतौर पर 25 फाइव टू ट्वेंटी सेवन लाइन्स जो हैं वो पेज पर टाइप की जाती हैं तो ये एक जनरल आपको गाइडलाइंस दी हैं और इन गाइडलाइंस को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी रिपोर्ट जो है वो बनाए अब रिटर्न रिपोर्ट में आखिरी चीज एक रहेगी और वो चीज है रेफरेंसिंग रेफरेंसिंग से मुराद ये है कि जो हम सेकेंडरी डेटा इस्तेमाल करते हैं जो हम किताबों से वीडियो ऑडियो से वेबसाइट से इनसे जब हम सेकेंडरी डेटा लेते हैं तो उनका हम रेफरेंस देते हैं टेक्स्ट में कि ये मटेरियल फलां जगह से लिया ये आइडिया फला जगह से लिया और आखिर में उन तमाम सोर्सेस की लिस्ट दे देते हैं जिनको हम लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस या खाली रेफरेंसेस कहते हैं आपको याद है कि अभी मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि अगर आप सेकेंडरी डाटा जो है वो उसका लिटरेचर अगर आप इस पढ़ते हैं और उसको अगर आप डॉक्यूमेंट करते हैं तो हम एक सेक्शन भी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर या रिव्यू ऑफ रिसर्चेस और उसमें सारी जो रिसर्च हैं या किताबें या उससे जो हमने आइडियाज लिए हैं टू सपोर्ट द थेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ आवर रिसर्च और यू नो द इम्पैक्ट वेरिएबल और व्हाट अदर स्टडीज है पास्ट में हुई वो तो सारा हम एक जगह पे करते हैं और अगर हम ऐसा करते हैं तो सेकेंडरी डेटा इस्तेमाल होता है तो फिर हम रेफरेंसिंग जरूर करते हैं क्यों करते हैं हम रेफरेंस इसकी दो तीन वजूहत हैं देखिए आपने कहीं से कोई आइडिया लिया और उसको अपनी रिपोर्ट में लिखा या आप कोई डेटा लिया और अपनी रिपोर्ट में ले आए ये काम किसी और ने किया आपने नहीं किया और जब तक आप रेफरेंसिंग नहीं करेंगे जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि ये आइडिया ये डेटा ये फला चीज़ मैंने फला सोर्स से ली है तो यूं लगेगा जैसे कि ये काम आपका है उनका नहीं है हालांकि ये गलत है आपने काम नहीं किया ये आप तो सिर्फ बारो कर रहे हो आप तो सिर्फ वहां से लेके अपनी रिपोर्ट में डाल रहे हैं सो वी शुड एक्नोलेज सोर्स फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस दिसरा और दिस आइडिया और दिस थ्योरी और वट एवर पहली रीजन तो इसकी ये है कि हमें एक्नोलेज करना चाहिए ये एथिकल है इखलाकी तौर पर जो काम हमने नहीं किया किसी और ने किया है तो उसका क्रेडिट उसको जाना चाहिए हमें नहीं जाना चाहिए पहली बात और दूसरी बात कानूनी भी है कानूनी क्या बात है अगर आप नहीं देंगे तो ये इसको सरका जिसको कहते हैं प्लेजरिज्म आप प्लेजरिज्म के मुरतके बो हो रहे होंगे इसको चोरी कहते हैं इंटेलैल प्रॉपर्टी के तहत इसको चोरी कहते हैं कि आप किसी और का काम जो है वो अपना काम बना के पेश कर रहे हैं तो इससे आपको बचना चाहिए प्लेजरिज्म और इस जो है ना वो मुकदमा भी आप पे हो सकता है इसलिए रेफरेंसिंग बहुत जरूरी है इसके अलावा और भी कुछ वजूहत हैं मसलन आपने एक दो आइडियाज दिए या लिटरेचर में आपने उसको कोट किया और जो रीडर है आपका वो कीन है कि इसको और पढ़ा जाए तो उसको पास पता होना चाहिए कि कौन से सोर्स से ये आ, आया है लिटरेचर कौन से सोर्स से ये आइडियाज़ और थियोरीज़ और डिस्कशंस आई हैं ताकि वो मजीद उस सोर्स से वो पढ़ सके तो ये चंद एक वजूहत हैं कि हम रेफरेंसिंग करते हैं तो रेफरेंस जब आप करते हैं उससे आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है कैसे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है जब आप कहते हैं ये लिस्ट ऑफ़ बुक्स है या जर्नल्स है या ये वेबसाइट्स हैं जिससे हमने आप पढ़ के ये लिखा है तो पता लगता है कि आपने पढ़ा भी है आप पढ़ते भी हैं और आपका अपना इमेज जो है वो बढ़ेगा तो इसलिए अपना इमेज भी अच्छा करने के लिए हमें रेफरेंसिंग करनी चाहिए लेकिन इससे सबसे बड़ी वजह जो है वो वो लीगल प्रोटेक्शन है जरिज्म से कि हम उसके सरके के मरतकब ना हों और हमें कोई पूछ ना सके कि भाई मेरा जो लिखा हुआ है वो आपने अपना बना के पेश कर दिया हाँ लेकिन फिर मैं आपको रिमांड करा दूँ ये रेफरेंसेस की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आप लिटरेचर या बुक्स या दूसरे सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आपकी रिसर्च सिर्फ प्राइमरी डेटा पर बेस करती है फीडवर्क पर बेस करती है और आपने किसी सेकेंडरी सोर्स से इन्फॉर्मेशन नहीं ली कोई मदद नहीं ली तो फिर आपको इसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है उसके कई तरीके हैं इसको हम कहते हैं रेफरेंसिंग स्टाइल इस रेफरेंसिंग स्टाइल में कई स्टाइल्स हैं अभी मैं आपको उसकी तफसी बताता हूं लेकिन फिर एक बार आप ये सुन लीजिए कि रेफरेंसिस से मुराद क्या है रेफरेंसिंग का मतलब ये है कि अगर आपने सेकेंडरी डेटा यानी कि लिटरेचर यानि कि किताबें जर्नल्स मैगजीन्स वेबसाइट्स वगैरह से कुछ मटेरियल लिया है और अपनी रिपोर्ट में डाला है तो उसको आपने एक्नोलेज करना है और उसको आपने बताना है कि ये चीज किस सोर्स से आई है और ये दो जगहों पे रिपोर्ट में हम करते हैं एक तो ऐट द एंड ऑफ द टेक्स्ट जहां हम रेफरेंसेस देते हैं बाढ़ी के बाद और दूसरा वो तमाम जो रेफरेंसेस हैं जो जो हिस्सा उससे लिया हुआ है वो हमने अपने चैप्टर में रिपोर्ट में डाला तो जहां जहां से वो हिस्सा लेके जहां जहां डाला है वहां भी उसको आपने लिंक करना है दैट द लिस्ट शुड बी लिंक विद द टेक्स्ट एक कौन सी चीज किस किताब से ली गई तो इसमें हम स्टाइल यूज करते हैं आप कितने स्टाइल हैं दुनिया में बहुत सारे स्टाइल हैं लेकिन हम एक स्टाइल ही यूज़ करेंगे अब कौन से स्टाइल हैं इसकी वाकफियत के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन से हैं और आप ये देखिए और सुनिए इसमें पहला स्टाइल जो है वो ए पी एच स्टैंडस फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ए पी ए स्टाइल दूसरा स्टाइल एम एल ए स्टैंड फॉर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन एम एल ए स्टाइल तीसरा शिकागो स्टाइल कहलाता है तो तोराबियन स्टाइल कहलाता है ये भी शिकागो स्टाइल पे बेस करता है एक और स्टाइल जो है उसको हार्वर्ड रेफरेंसिंग सिस्टम कहते हैं एक और जो है वो ए एस दैट इज अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन एक और जो है वो सी -E है दैट इज काउंसल ऑफ बायोलॉजी एडिटर्स और एक ए पी एस ए है अमेरिकन पोलिटिकल साइंस एसोसिएशन अब ये कई स्टाइल हैं ए पी ए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एम एल ए मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन शिकागो स्टाइल तोराबिन स्टाइल हारवर्ड रेफरेंसिंग एस ए अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन सी बी ई काउंसिलॉजी एडिटर्स एंड ए पी एस ए अमेरिकन पोलिटिकल साइंस एसोसिएशन हम ये सारे स्टाइल नहीं इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस राइटिंग्स में हम ज़्यादातर ए पी ए स्टाइल इस्तेमाल करते हैं जो हम रिपोर्ट लिखते हैं इसमें बिल अमूम या अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन या ए पी ए स्टाइल को इस्तेमाल किया जाता है और इसके बारे में मैं तफसील से आप से बात करूँगा ताकि आप समझ जाएँ कि ये स्टाइल जो है वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है आप एक बात मैं आपको अभी बता दूं कि जब आप रिसर्चेस करेंगे और अगर आप रिसर्चेस के बाद रिपोर्ट लिखते हैं और अगर इस रिपोर्ट को अगर आपको आर्टिकल की शक्ल में कहीं छपवाना हो तो फिर उस जर्नल जिसमें आपने छपवाना है वो आपको जर्नल जो है वो बताएगा कि आपने कौन से स्टाइल में जो है वो छापना है लिखना है वो जर्नल आपको बताएगा कि आपने अपनी राइटिंग को अपनी जो रेफरेंसिंग है उसको किस स्टाइल में लिखकर भेजना है क्योंकि हर जर्नल का अपना एक स्टाइल होता है लेकिन हम अपनी रिपोर्ट में आमतौर पर आ, ए, -ए स्टाइल को इस्तेमाल करते हैं अच्छा अब जब हम स्टाइल की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि जो जो सोर्स है चाहे वो बुक है जर्नल है मैगजीन है न्यूज़ है कुछ भी है इसको लिस्ट में उसका डेटा किस तरह से देना है मैंने आपको पहले बताया ना कि एक तो एंड पे आप लिस्ट देते हैं तमाम सोर्सेस की इकट्ठी और फिर एक और जगह होती है रिपोर्ट में कि जहां आपने ये डेटा इस्तेमाल किया है उसके साथ लिस्ट से उसको लिंक करते हैं जी फ्लॉ किताब से मैंने ये लिया है लिस्ट में जब हम लिखते हैं तो ए स्टाइल में या किसी भी स्टाइल में हमें ये अरेंज करना होता है कि आथर का नाम कहाँ आएगा अगर एक से ज़्यादा आथर हैं तो किस तरह से लिखे जाएंगे जियर अगर लिखना है तो वो कौन सा लिखेंगे उसकी जो टाइटल है किताब का या उसका आर्टिकल का वो कहाँ लिखेंगे किसने इसे पब्लिश किया कब पब्लिश किया ये सारा डेटा जो है हम एक तरतीब से लिखते हैं और एक फॉर्मेट में लिखते हैं इसको हम स्टाइल कहते हैं और फिर इसका कौन सा हिस्सा हम टेक्स्ट के साथ लिंक करेंगे अब इसमें हम सारी किताब जो पूरा हमने दिया डेटा ये सारा टेक्स्ट में नहीं ले जाएंगे वहां पर थोड़ी सी इंडिकेशन देंगे कि जी ये वहां से लिया तो हर स्टाइल जो है वो अपने तरीके से ये करता है ए स्टाइल क्या करता है ए पी स्टाइल तो बुक के लिए भी एक स्टाइल है जर्नल के लिए भी एक स्टाइल है मैगजीन के लिए भी एक स्टाइल है वेबसाइट के लिए भी है वीडियो के लिए भी है ऑडियो के लिए भी है हर चीज के लिए है और ये सारे सोर्सेज होते हैं जो सेकेंडरी डेटा के होते हैं वीडियो ऑडियो भी होता है तो हम देखते हैं मसलन किताब जब लिखी जाती है किताब का जब डेटा लिस्ट में दिया जाता है और वो जो लिस्ट हम बनाते हैं उससे ऊपर टॉप पे हम लिखते हैं रेफरेंसेस वो हेडिंग होती है और नए पेज पे होती है रेफरेंसेस नए पेज पे लिखे जाते हैं दरमियान आधे पेज पे नहीं लिखे जाते कि जहाँ आप रिपोर्ट आपकी ख़त्म हुई वहीं आपने रेफरेंसेस शुरू कर दिए नहीं बल्कि अलहदा पेज पर इसको हम रेफरेंसेज लिखते हैं बिबलाग्राफ़ी भी आप लिख सकते हैं तो रेफरेंसेज में हम आ, उसको तमाम जो सोर्सेज हैं हमारे उनको हम लिस्ट डाउन करते हैं और अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करते हैं तो किताब को किस तरह से लिखा जाता है किताब का डेटा इस तरह से दिया जाता है पहले आथर का नाम फिर ब्रैकेट में ऑफ पब्लिकेशन फिर किताब का टाइटल और फिर किताब का पब्लिशर की सिटी कहाँ से वो पब्लिश हुई किताब और फिर पब्लिशर का नाम ये ए पी स्टाइल है देखिए नाम जब आथर का लिखा जाता है इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए इंटरनेशनलाइज करने के लिए हम लास्ट नेम को पहले लिखते हैं लास्ट नेम को पहले लिखते हैं मसलन आथर का नाम अगर जमील अख्तर है तो हम पहले अख्तर लिखेंगे कामा लिखेंगे और फिर जमील लिखेंगे अख्तर पहले जमील बाद में क्योंकि ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल स्टाइल है कि लास्ट नेम फर्स्ट और जितनी बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं कांग्रेस की है या आ, दूसरी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो इसको लास्ट नेम से ट्रैक करते हैं आपको पता ना किताबें भी कंप्यूटर पे नेट पे चली गई तो इस तरह से उसको ट्रैक किया जाता है और अगर दो आथर हों तो इसी तरह से दोनों आथर्स को आप लिखते हैं लेकिन दरमियान में एंड का लफ्स डालते हैं दिस लास्ट नेम ऑफ द फर्स्ट आथर फिर बाकी नेम फिर एंड फिर लास्ट नेम ऑफ द सेकंड ऑथर और दूसरा नेम और फिर आगे क्या होगा उसी तरह से वो ईयर होगा पेरथिस में या ब्रैकेट में फिर टाइटल होगा किताब का फिर सिटी ऑफ पब्लिकेशन होगी और फिर पब्लिशर का नाम होगा ये आप एक मिसाल देखिए ये मिसाल जो है एल जी जॉन और आई जे स्पेंसर इसके आथर हैं असेसमेंट ऑफ ग्लोबल मार्केट्स इसकी टाइटल है 2004 में ये पब्लिश हुई वाइट प्लेन्स जगह है जहां पर ये पब्लिश हुई सिटी है और ये न्यूयॉर्क में है और लॉन्ग मैन इसका जो है वो पब्लिशर है तो लिखेंगे हम कैसे ए स्टाइल में हम लिखेंगे जॉन कामा एल जी कामा एंड स्पेंसर ये लास्ट नेम है स्पेंसर कामा आई जे स्टॉप ये अब नाम पूरे हो गए 2004 इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है तो 2004 को ब्रैकेट में लिखना है फिर फुल स्टॉप डाल दीजिए उसके बाद किताब का नाम लिखिए और ये किताब का नाम जो है ये आपने प्रोमिनेंट करना है कैसे प्रोमिनेंट करेंगे या तो इसे बोल्ड कर दें या इसका फांट बदल दें या इसको इटैलिक्स में लिखें या इसको अंडरलाइन कर दें किसी तरह से भी इसको आपने प्रोमिनेंट करना है मुख्तलिफ लोग मुख्तलफ तरह से करते हैं ताकि ये जुदा नजर आए और नजर आए कि ये किताब है और उसके बाद ये वाइट प्लेन न्यूयॉर्क जो है ये सिटी ऑफ पब्लिकेशन है और लॉन्ग मैन जो है इसका पब्लिशर है तो इस तरह से हम इसको अरेंज करते हैं अच्छा अब इसी का अगर आपने मटेरियल लेकर टेक्स्ट में डाला हुआ है इसी का अगर आपने मटेरियल लिया यहाँ से पढ़ा कोई आइडिया लिया मटेरियल लिया और उठा के आपने अपनी रिपोर्ट में डाल दिया लिटरेचर रिव्यू में कोई आइडिया था क्लिक करके अब आपने लिया तो उसको वहाँ कैसे लिखेंगे अब जो एपी स्टाइल है इसमें आम तौर पर लॉस्ट नेम ऑफ द आथर और जीरा पब्लिकेशन और अगर आपने कोटेशन ली हो वर्ड्स भी लिए हों तो फिर आपने पेज नंबर भी डालना ठीक है इसमें कौन है आथर एक जॉन एल जी है और एक स्पेंसर आई है और पब्लिकेशन क्या है टू थाउजेंड फोर और सपोज के इसको पेज नंबर अलेवन से लिया गया है तो जहां आप टेक्स्ट लिख रहे हैं जहां टेक्स्ट वो खत्म होती है वहां ब्रैकेट डालिए इनके नाम लिखिए ये लिखिए और पेज लिखिए दैट इज जॉन एंड स्पेंसर कामा टू थाउजेंड फोर तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे टेक्स्ट में उस चैप्टर में रिपोर्ट में बॉडी में लेकिन लिस्ट में हम इसकी पूरी तफसी देंगे आथर ईयर नेम ऑफ द बॉक और सिटी ऑफ पब्लिकेशन एंड पब्लिशर वहाँ हम सिर्फ लास्ट नेम ऑफ द आथर ईयर और अगर पेज की जरूरत है तो हम पेज दे देंगे वन ईयर और आथर ही काफी है और अगर ये मटेरियल जो है कई पेजेस पे स्प्रेड है इट इज़ मोर देन टू पेजेस और मोर देन वन पेजेस। इफ़ द मटेरियल इज़ वन पेज देन पेज एलेवन इफ मटेरियल इज ऑन मोर देन वन पेजेस, तो फिर हम लिखते हैं पी पी और फिर एलेवन से फोर्टीन और वट एवर इस केस में है पी पी एलेवन टू और दैट इज पेज टू पेज है ये एलेवन टू फोरटीन तो इस तरह से आप बुक जो है अगर वो एक से ज्यादा एक या दो आथर हो तो इस तरह एक आथर हो तो एक एक से ज्यादा हो तो दो दरमियान में एंड और इस तरह से आपने इसके डेटा को अरेंज करना है अगर हमने वो किताब सिलेक्ट की है या उससे हमने मटेरियल लिया है जिसमें के आथर तीन से पांच तक हैं तो फिर हम क्या करेंगे फिर हम उसी तरह से उनको लिखेंगे तीन हैं तो पहला कामा फिर कामा फिर एंड ठीक है और पाँच हों तो इसी तरह से चलते जाएंगे यानी आथर्स में एंड पांचवें से पहले या तीसरे से पहले डालना है और बाकी के साथ कामा लगाना है और उसी तरह से लॉस्ट नेम फर्स्ट और बाकी मिडल नेम और फर्स्ट नेम और इन सब को इसी तरह से करके आपने फिर उसके ब्रैकेट में यप पब्लिकेशन डालना है और फिर आपने उसको आ, टाइटल ऑफ द बुक देना है और फिर उसके बाद क्या आएगा सिटी ऑफ पब्लिकेशन और फिर आखिर में पब्लिशर का नाम इस एग्जांपल में देखिए हमने किया है पार्किंसन कामा ए आर कामा और फिर दूसरा आथर है बुचर कामा एस SI, आई कामा और तीसरा आथर है ग्रीन कामा ए जी अब ग्रीन वुड ए जी ग्रीन जो है इसका असल नाम क्या है ए जी ग्रीन क्योंकि ग्रीन आखिर में था इसको पहले लिया तो इसको हम वर्ड से पहले एंड डालेंगे और बाकी सारे पीछे कामें डालते आएंगे ये सेमी कोलन डालते आएंगे और ईयर uh, 2001 है इसका ब्रैकेट में इसके बाद फुल डाल दिया फिर उसको हाईलाइट करके हमने एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्विस मार्केटिंग जो भी किताब का नाम है वो लिखें उसके बाद ये हिल्सडेल न्यू जर्सी इज द सिटी वेयर द बुक वॉज पब्लिश एंड एरल बॉम जो है दैट इज़ द पब्लिशर ये तो हो गया एट द एंड जो लिस्टिंग कर रहे हैं उसमें ये आएगी और अगर इसी का रेफरेंस तो आपने टेक्स्ट में देना है तो कैसे करेंगे सिंपल जैसे हमने टू में किया था कि पार्किसन बूचर एंड ग्रीनवर्ड तीनों के नाम ये रहा आपका टू थाउजेंड वन अब इसमें हमने पेज नहीं लिखा क्योंकि हमने सिर्फ उसके मटेरियल जो है उससे आइडिया लिया है हमने हमने कोई लफ्ज नहीं लिए इसके पेज हमने लिखेंगे तो पार्किन बोचर और ग्रीन वर्ड और साथ ही कौन सा है 2001 तो वो लिख दीजिए ये आपने टेक्स्ट में लिखना है जहां ये आइडिया आकर हो रहा है जहां ये जो है ना आप आइडिया उसका जो है ना वो आप लिख रहे हैं वहां उसके साथ आप ब्रैकेट डाल के ये कर देंगे और इस तरह से इसकी साइटेशन हो जाएगी साइटेशन क्या होती है वही रेफरेंसिंग होती है। लेकिन अगर इसकी साइटेशन बाद में भी करनी है कहीं बाद में भी इसका रेफरेंस आया है एक जगह पहले जगह पे तो आपने ऐसे कर दिया तीनों के नाम लिख दिए लेकिन अगर बाद में सब्सिक्वेंटली कहीं जो है इसका फिर रेफरेंस आता है तो फिर क्या करेंगे आप फिर हम सिर्फ पहला नाम लिखेंगे पार्किंसन और आगे दो लफ्स लिखते हैं ई टी स्पेस ए एल इसको एट एल बोलते हैं पार्किसन एट एल टू वट इज दिस एट एल एट एल क्या है इसका मतलब है एंड अदर्स पार्किसन एट एल के पार्किसन के साथ दूसरे भी हैं और दूसरे कौन से हैं पीछे आपने लिखे हुए हैं उसमें सिर्फ आप ये दे दीजिए और उसके बाद जितनी साइटेशन हैं इसकी उसमें आप पार्किसन एट एल टू थाउजेंड वन के हिसाब से लिखिए यह है अगर आथर्स दो से ज्यादा और पांच से कम हो और अगर पांच से भी ज्यादा हो तो फिर हम सारे आथर्स को वैसे ही लिखते हैं। हम एंड अदर्स या एट एल लिखते हैं किताबों के बाद अब हम जनरल की तरफ चलते हैं अगर जनरल से अगर आपने कोई आर्टिकल लिया है और उसमें वन या टू आथर्स हैं तो उसको किस तरह से लिखेंगे किताब में तो हमने किताब का नाम लिख दिया अब आपको पता है कि एक जर्नल होता है आ, मैगजीन की तरह और उसमें क्या होता है उसमें आ, कई आथर्स होते हैं एक आथर नहीं होता हर आर्टिकल का एक अलहदा आथर होता है उसको क्या हम करेंगे उसमें उसी तरह से लास्ट नेम ऑफ द आथर फिर फर्स्ट नेम और सेकंड नेम ऑफ द आथर एक हो तो यहीं ख़त्म दो हो तो एंड करके फिर लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दैट इज़ टू आथर्स हो गए तीन हो तो फिर एंड कर दीजिएगा ये तो आपकी जो है नंबर नंबर ऑफ ऑथर्स पे डिपेंड करता है फिर बुक की तरह इसमें भी हम उसमें ब्रैकेट में जियर ऑफ द पब्लिकेशन लिखते हैं जियर ऑफ़ द पब्लिकेशन फिर उसके बाद क्या लिखते हैं पहले हम किताब का टाइटल लिखते थे अब हम क्या करेंगे अब हम आर्टिकल का टाइटल लिखेंगे आर्टिकल जो उसका उसका जो वनवान है उसका टाइटल हम लिखेंगे और उसके बाद हम जनरल का टाइटल लिखेंगे आर्टिकल का टाइटल फिर जनरल का टाइटल फिर उसका एक वॉल्यूम नंबर होता है एक सीरियल नंबर होता है वो जनरल के इनर पेज के ऊपर लिखा होता है कि कौन सा इसका वॉल्यूम नंबर है और कौन सा सीरियल नंबर है वो लिख दीजिए और आखिर में उसके पेज लिख दीजिए कि ये पेज नंबर है इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास है इसको हम देखते हैं जेम्स खामा आर एंड एस टू थाउजेंड थ्री द हारिंग प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है दिस इज द टाइटल ऑफ द आर्टिकल एंड देन कंसल्टिंग साइकोलॉजी जर्नल प्रैक्टिस एंड रिसर्च ये जर्नल का नाम है

इसी को आपने टेक्स्ट में बताना हो तो फिर क्या करना है आपने टेक्स्ट में जहाँ इसका मटेरियल रेलेवेंट आया है आइडिया आया है वहाँ पर उसके साथ ब्रैकेट डालिए और ब्रैकेट के बाद इनके लास्ट नेम लिख दीजिए चूंकि केस में दो नाम हैं इसलिए हम कहेंगे जेम्स एंड क्रेमर कामा और फिर ये लिख दीजिए टू थाउजेंड थ्री तो ये टेक्स्ट में इसका होगा देखिए यहाँ पर लिस्टिंग में आ, एट द एंड जो रेफरेंसेस देते हैं कितना मटेरियल है सारा डेटा जर्नल का मौजूद है लेकिन वहाँ पर जो हम टेक्स्ट में देते हैं थोड़ी सी बात देते हैं क्या है वो लास्ट नेम और लास्ट नेम के बाद जो है वो उसका ईयर अगर दो आथर हैं तो फिर दोनों का नाम और अगर दो नहीं हैं तो फिर हम उसको एक को देते हैं और इस तरह से हम चलते रहते हैं अगर तीन हो तो तीन और ज़्यादा हो तो ज़्यादा लेकिन उसमें आपको पता है ना जैसे बुक में हमने कहा था कि अगर आथर ज्यादा हो दो से ज्यादा हो तो फिर हम क्या करेंगे फिर हम पहले में तो नाम देंगे लेकिन बाद में जो हम सबसिक्वेंट साइटेशन देंगे उसमें एट एल का इस्तेमाल करेंगे यानी एंड अदर्स पहला नाम दे के फिर एट एल एंडर्स और फिर ईयर दे दिया तो इस तरह से हम इसका जो है वो जनरल का देते हैं अब हम देखते हैं कि अगर ये तो हार्ड कॉपीज हैं मैगजीन का भी मोरल लेस ऐसे है और न्यूज़पेपर में क्योंकि आथर नहीं होता कोई ख़बर होती है या ये है कि अगर आथर हो अगर आथर हो तो फिर इसी तरह से जैसे जनरल में है अगर आथर ना हो तो फिर न्यूज़पेपर का हम टाइटल दे के उसकी डेट दे देते दे हैं और पेज दे देते दे हैं लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज इस्तेमाल करने हों तो फिर हम क्या करेंगे हम एलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस से जब डेटा लेते हैं यानी वेबसाइट्स हैं डेटा हैं ठीक है कुछ फ्रीली जो है ना वो जर्नल अवेलेबल होते हैं कुछ पेड जर्नल्स होते हैं तो जहां कहीं से भी आप लेते हैं उसके जो है मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक जर्नल है जिसमें एक या दो आथर हैं और उसमें डेट इशू नहीं है कहीं की डेट इशू भी होती है वो जो है ना कि कब वो बनाए गए वो वेबसाइट कब रिवाइज हुए वो भी हम करते हैं लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर हम क्या करते हैं उसी तरह से पहले आथर का नाम यानी लास्ट नेम फर्स्ट इंड सेकंड नेम दे उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन अगर है तो और फिर उसके बाद उसका टाइटल दे दीजिए और टाइटल देने के बाद फिर टाइटल ऑफ द जर्नल दे दीजिए फिर उसी तरह से आप उसका वॉल्यूम नंबर और सीरियल नंबर और फिर पेजेज लिख दीजिए लेकिन इसके बाद आप क्या करेंगे आपने कहीं से उसे रिट्रीव किया है वो रिट्रीव किया है तो उसमें आप लिखिए रिट्रीव फ्रॉम और फिर उस वेबसाइट का जो है वो हवाला दे दीजिए पूरे वेबसाइट का एड्रेस दे दीजिए इस वेबसाइट से मैंने ये लिया है इस एग्जांपल में हमने जो किया है वो है म्यूनिक कामा टी एंड बारेट एन एस इमोशनल इंटेलिजेंस सेल्फ स्टीम एंड पेरेंटल लव ये क्या है ये टाइटल है ऑर्टिकल का और आगे क्या है ई जर्नल ऑफ साइकोलॉजी एंड कंज्यूमर बिहेवियर ई जर्नल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल है फिर उसके सीरियल नंबर टू और उसका वॉल्यूम नंबर भी टू है पेजेज हैं थर्टी थे एट टू फोर्टी एट एंड रिट्री फ्रॉम और आगे देखिए ये वेबसाइट का यहाँ से हमने इसको रिट्रीव किया अब इसी को अगर आपने जो रिट्रीव किया है अगर इसमें वो नहीं है आथर का नाम नहीं है सिर्फ वेबसाइट है तो फिर आप सिर्फ वेबसाइट देंगे लेकिन अगर इस तरह से आथर का नाम भी है तो फिर जो टेक्स्ट में आप जो इसको लिखेंगे वो लिखेंगे एंड बैरेट 2001 और आप चाहें तो पैरा दे दीजिए चाहे तो ना दीजिए लेकिन इसमें इसको इस तरह से देखेंगे बाज़त वीडियो टेप भी इस्तेमाल होती, होती है ऑडियो टेप भी इस्तेमाल होती है आप वीडियो और ऑडियो को भी हमें जो है वो रेफरेंस देना पड़ता है तो आपको पता है कई डिपार्टमेंट्स जो है वो वीडियो रिलीज करते हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वीडियो रिलीज करती हैं तो उसमें आप क्या करेंगे उसमें आप उस जो है वो वीडियो का टाइटल देंगे और उस ईयर का टाइटल देंगे ये किसमें यह रिलीज हुई और फिर उस रिलीजिंग एजेंसी का नाम देंगे कि उसको किसने कब रिलीज किया मसला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगर करता है तो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का दे देंगे अगर किसी टी ने किया है किसी चैनल ने किया है किसी एजेंसी ने किया है और वीडियो जो है आपके पास है तो आप उसका नाम देंगे और उस वीडियो का टाइटल देंगे और उसको आप साइट करेंगे इसमें आप देख रहे हैं कि ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 2008 थाउजेंड एट्यूज और ब्रैकेट में हमने लिखा वीडियो टेप और इस्लामाबाद यानी किसने रिलीज किया इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इस्लामाबाद ने तब 2008 में और इसका जो है वो टाइटल क्या है ड्रग एब्यूज़ मैं आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि ये जो ए पी स्टाइल है इसका एक बहुत बड़ा मैनअल है अगर हम इस पर पूरा कोर्स भी करना चाहें तो हम पूरा कोर्स भी कर सकते हैं लेकिन ये काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है ये मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है कि इसको किस तरह से लिखते हैं इसका वेबसाइट पर ए स्टाइल के नाम से सारी चीज़ें मौजूद हैं जब कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप उसको वेबसाइट को रिट्रीव कीजिए और इसको आप जो है वो पढ़ के आप अपना मसला हल कर सकते हैं और इसके अलावा एक और एक सॉफ्टवेयर भी है उस सॉफ्टवेयर का नाम है एंड नोट्स तो उस सॉफ्टवेयर को अगर आप सीख जाए और उसमें अगर आप ये किताबों का और ये जो जर्नल्स हैं और ये आप डेटा डाल दें और उस सॉफ्टवेयर को अगर आप कहें कि जी मुझे उस स्टाइल में चाहिए ए पी ए में चाहिए एम एल ए में चाहिए ए पी एस ए में चाहिए आप कौन से स्टाइल में आपको चाहिए तो वो जो है सॉफ्टवेयर खुद ब खुद डेटा अरेंज करके इस स्टाइल में आपके रिपोर्ट पर छाप देगा तो इसलिए आपको सिर्फ मैंने आइडिया के तौर पर बताया है जो असल चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो वही है जो मैंने शुरू में कही थी वो ये है कि जब आप सेकेंडरी डेटा इस्तेमाल कर रहे हो तो सोर्सिस को डॉक्यूमेंट करना मत भूलिए सोर्सेज का रेफरेंस देना मत भूलिए और एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट आप ऑन सोर्सेज की जो लिस्ट है वो रेफरेंसेज के हेडिंग के तहत जरूर लिखिए इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है इनशाला अगले लेक्चर में मिलेंगे